गुड मॉर्निंग एवरीवन, समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और पिछले वाले वीडियो में अपन ने उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा की थी और इस वीडियो के अंदर अपन उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में शक्तियों की चर्चा करेंगे। उसका कार्यक्षेत्र क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। कि जिस प्रकार से देखिए केंद्र सरकार देश में सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उसी प्रकार सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है और वो राज्य संबंधी विवादों का निस्तारण करता है, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसी प्रकार से राज्य के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो राज्य का एक सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। तो अपन चर्चा करते हैं इसका कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां। देखिए उच्च न्यायालय के अनेक कार्यक्षेत्र में शक्तियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उसके मूल क्षेत्राधिकार की। इसकी बात करेंगे मूल क्षेत्राधिकार की। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि प्रथमतः उच्च न्यायालय विवादों की सुनवाई करे, यानी कि पहली बार कंडीशन ये होती है कि सीधे रूप से उच्च न्यायालय उन विवादों की सुनवाई कर सकता है। वो कौन से विवाद होते हैं, जैसे मान लीजिए कि संसद या राज्य विधानमंडल होती है, उनके जो सदस्य होते हैं, उनका जो निर्वाचन होता है, उनसे संबंधित यानी कि चुनाव संबंधी विवाद होते हैं, वो सीधे उच्च न्यायालय में आते हैं। या राजस्व एकत्रीकरण संबंधी जो विवाद होते हैं वो सीधे कहाँ आते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अपने बात करें कि जो मौलिक अधिकार व्यवसायत या विवाह है या कोई जैसे कंपनी कानून है आदि संबंधी विवाह या विवाह विच्छेद संबंधी जो विवाद हैं, ये भी सीधे उच्च न्यायालय में आते हैं। तो ये एक तरह से इसके मूल अधिकार हो गए। कौन से हो गए, मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। इसमें प्रथमतः उच्च न्यायालय विवादों की सुनवाई करता है। पहला लिख दूं मैं, प्रथम उच्च न्यायालय विवादों की सुनवाई करता है। वो कौन से हैं, एक तो है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन, संबंधी विवाद, समझ गए, संसद है या जो अपने राज्य विधानमंडल है इसके सदस्य हैं, उनका चुनाव हो रहा है, उससे संबंधित विवाद इसी के अंतर्गत आता है। एक है राजस्व एकत्रण संबंधी विवाद, राजस्व एकत्रण संबंधी विवाद, ये भी इसी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आगे मौलिक अधिकार, तीसरा कौन सा है, मौलिक अधिकार वसीयत। मौलिक अधिकार वसीयत की बात करते हैं या विवाह विधि है, कंपनी कानून या विवाह विच्छेद संबंधी विवाद, ये इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
अगला क्या है, याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार। याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभी क्या क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, इसके साथ साथ प्रतिषेध, प्रतिषेध उत्प्रेषण है, परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण तथा अधिकार पक्षा, तथा अधिकार पक्षा संबंधी, अधिकार पक्षा संबंधी याचिका दायर कर सकता है, याचिका पेश कर सकता है। ठीक है, तो याचिका संबंधी अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेक्षण तथा अधिकार पक्षा संबंधी याचिका पेश कर सकता है, ये इसके याचिका अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, एक आपराधिक क्षेत्राधिकार है और एक संवैधानिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि इनको तीन तरह के अधिकार दिए गए हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक तरह से अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर, इसमें आयकर पैटर्न डिजाइन, इसमें क्या क्या आते हैं, आयकर पैटर्न डिजाइन, क्या क्या आते हैं, आयकर आता है, पेटेंट आता है, डिजाइन आता है, या उत्तराधिकारी, या उत्तराधिकारी आदि मामले कौन कौन से मामले आए, आयकर पेटेंट डिजाइन या उत्तराधिकारी आदि मामले में जिला न्यायालय के विरुद्ध आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। समझ रहे हैं ना, सिविल अपील क्षेत्राधिकार में क्या है, इससे आयकर संबंधी कोई विवाद है, पेटेंट संबंधी कोई विवाद है, डिजाइन संबंधी कोई विवाद है, या उत्तराधिकारी संबंधी कोई मामले हैं, ऐसे मामलों में जो राज्य न्यायालय जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, वहां पर अपने याचिका दायर कर सकते हैं। अगला है आपराधिक क्षेत्राधिकार। अब इसमें क्या होता है, जब अपराधी को सेशन न्यायालय, कौन, अपराधी को सेशन न्यायालय 4 वर्ष के लिए कारावास या दंड दे दे, अपराधी को जैसे मान लो किसने अपराध कर लिया और उस अपराधी को जो सेशन न्यायालय है या तो उसको 4 वर्ष की सजा दे दी गई, कारावास दंड दे दिया गया हो, या उसको मृत्यु दंड दे दिया गया हो, तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जब अपराधी को सेशन न्यायालय द्वारा 4 वर्ष का
कारावास, दंड या मृत्यु दंड दे दिया हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, अपराधी आपराधिक क्षेत्र में भी उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो सेशन न्यायालय जिला न्यायालय है वह किसी अपराधी को 4 वर्ष की सजा दे दिया गया हो, कारावास दे दिया गया हो या उसको मृत्युदंड दे दे तो उसकी अपील आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। संवैधानिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो देखो संवैधानिक क्षेत्राधिकार में कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान संबंधी व्याख्या जिसमें संविधान संबंधी व्याख्या का प्रश्न हो, व्याख्या का प्रश्न हो तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कि संविधान के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान संबंधी व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो इस प्रकार के विवाद की सुनवाई हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, इसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसका संवैधानिक क्षेत्राधिकार हो गए, तो इसके 3 क्षेत्राधिकार हो गए। सिविल अपील क्षेत्र का क्षेत्राधिकार जिसके अंदर आयकर आता है, पेटेंट आता है, डिजाइन आती है या उत्तराधिकारी आदि मामले आते हैं तो इसके विरुद्ध अपन जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यही आपराधिक क्षेत्राधिकार आ गया। लेकिन जब अपराधी को सेशन न्यायालय में 4 वर्ष का के दंड दे दिया गया हो, सजा दे दी गई हो या उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसी को ला संवैधानिक क्षेत्राधिकार आ गया। यानी कि कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो इस प्रकार के विवाद की सुनवाई है वो उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब है अभिलेख न्यायालय की अपन चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय न्यायालय अभिलेख प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा उसकी अवमानना के लिए न्यायालय होगा और उसकी अवमानना ना के लिए। यानी कि अगर अपन उसकी अवमानना करते हैं, उसके आदेश की अवमानना करते हैं तो उसके लिए अपन दंड मिल सकता है। क्या मिल सकता है? दंड मिल सकता है। तो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यानी कि अनुच्छेद 215 में कहा गया है, 215 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अब इसमें ये होता है कि इसके जो जितने भी जो एक तरह से अभिलेख होते हैं वो लिखित होते हैं और इसको अन्य न्यायालय में पेश किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। आगे लिखिए
उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, सुरक्षित यानी उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कानून की तरह कार्य करेंगे? कानून की तरह कार्य करेंगे, न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसके पास शक्ति भी प्रदान है प्राप्त इसको, और उसे 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, उसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिपोर्ट की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। तो इस प्रकार की शक्ति इसको प्रदान की गई है। आगे इसकी जो शक्ति देखते हैं, पांचवी शक्ति इसकी प्रशासनिक संबंधी, प्रशासन प्रशासन संबंधी अधिकार की बात करते हैं या प्रशासन संबंधी जो विवाद होते हैं इसकी बात करते हैं। ये भी इसके पास एक अधिकार है कि जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ जितने भी जो न्यायालय होते हैं उस पर निगरानी रखता है कि वह एक तरह से कानून के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको एक तरह से दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। तो प्रशासन संबंधी विवाद इसकी शक्तियां होती हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को मंगवा सकता है, के निर्णय को मंगवा सकता है। यानी कि कोई भी उच्च न्यायालय है उसके अधीनस्थ न्यायालय है उसमें जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल कर सकता है और उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। यानी कि इस तरह से उसको जांच सकता है, दे सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, उसके बाद उस निर्णय को एक तरह से सही घोषित कर सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है, अगला है उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं उनका ध्यान रखे कि वे क्या ध्यान रखना उसको कि वे अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, कि वे अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं।
ये भी ध्यान रखना, एक तरह से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। उच्च न्यायालय क्या करता है, अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं उन पर निगरानी रखता है, उन पर ध्यान रखता है, और ये ध्यान रखता है कि वो न्यायालय अपने शक्तियों का सही प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गलत उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की शक्ति इसके पास होती है। इसकी अगली शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन, छठवीं कौन सी थी, पांच, छठवीं यहाँ पे लिखी हुई है न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं उसको वैध या अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जिसके पास होती है। इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और राज्य पालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरह से क्या हो गई, ये उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और क्षेत्राधिकार उसके अधिकार हो गए।